असलम दोस्तों, तो कैसे हो आप दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज ना हम अपने मुफासों को नहलाने वाले हैं, मुफासों और डेंगू को, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम अपने जो डॉग जमीन को नहला देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल के ऊपर नए चैनल को लाइन सब्सक्राइब कर लें। अभी मुफासा को नहला दिए, मुफासा अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो गए, सूख भी गए। तो मुझे तो काफ़ी मुझे वो लग, मैंने समझे नहीं सूखेगा इतनी जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी मतलब हमने इसको मतलब गीला हुआ था अभी मतलब ठीक हो गए। अभी इसको थोड़ा सा हम बांधेंगे ताकि मतलब थोड़ा अपनी सेट हो जाए, फिर उसके बाद इसको डाइट वगैरह डालते हैं। जो दोस्तों हमारे जो बटेर थे माशाल्लाह से ये भी काफ़ी अच्छे हो गए। जो उसका मेल था वो उसका फिलहाल थोड़ा सा उसका मसला ये बना हुआ है ना करो मुफासा, तो उसका जो मसला बना हुआ था फिलहाल उसको मैं खुद अपने हाथों से फीडिंग वगैरह करवा रहा हूँ। कुछ दिन तक इंशाल्लाह ये भी चले जाएंगे हमारे सेटअप से, इनकी जगह अपने मोट बटेर वगैरह ला के रखेंगे, लेकिन उनको हम आज़ाद रखेंगे। ये बस मैं कुछ टाइम तब और बहुत से भाई कहते हैं भाई आप और बर्ड भी ला के रखें और बर्ड भी ला के रखें, तो दोस्तों जब तक हम मिनी जू में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक इंशाल्लाह और बर्ड्स वगैरह हम नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये वाले केजेस वगैरह भी सबको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे मिनी जू में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह और बर्ड्स लाना स्टार्ट करेंगे हम। और दोस्तों ये काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई आप चेंज करें अपनी बजीज को, आपके पास जो बजीज हैं इनको चेंज करें। तो मैंने सोचा यार कि हमारे पास बजीज वगैरह पड़े हुए हैं तो हम इनको मतलब यहाँ पर रहने देते हैं, जब मिनी शू में शिफ्ट होंगे वहाँ पर इनके लिए अच्छी सी कॉलोनी वगैरह बना के, तो वहाँ पर इंशाल्लाह सब के लिए मतलब इनकी पेयरिंग वगैरह जो है हम उधर करवा लेंगे, और भी जो साथ मेल वगैरह लाने हैं उधर जाके हम लेकर आ जाएंगे उनकी, इंशाल्लाह इनकी अच्छी सी कॉलोनी वगैरह बना लेंगे हम। बिट्टू टेंगो टेंगो क्या कर रहे हो आप? टेंगो अभी भूखा हुआ है जिस वजह से मैं टेंगो गाय कुछ ना कुछ ला के डालता हूँ, काफ़ी भूखा हुआ है। टेंगो क्या कर रहे हो? टेंगो यार बड़ा उदास लग रहा है, मतलब अब बातें मेरा तो इसने सीख ही लिया है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इसका कोई पार्टनर ला के रख देते हैं हम, ताकि अभी भी इसकी ब्रीडिंग वगैरह, क्योंकि बिल्कुल अभी एडल्ट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ इसे कोई पार्टनर वगैरह ला के रख लें ताकि उसके साथ ये ब्रीडिंग वगैरह करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है टेंगो, क्यों परेशान हो? क्रीमिल्स की एज वगैरह ज़्यादा हो गई है, तो हमने इसको थोड़ा बीमार हो गया था बीच में, तो हमने इस वजह से इसको वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई। तो अब इसको इंशाल्लाह कल जाएंगे इसको सबसे पहले वैक्सीन वगैरह करवा लें। अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गए, इसके जो जख्म हुआ था वो भी अब ठीक हो गए, तो अब इंशाल्लाह उसको कल वैक्सीन वगैरह लगवाएंगे। अब माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है ये देखें माशाल्लाह से, चेक करें कमेंट में माशाल्लाह फ्रेंड जरूर कीजिएगा। तो आप में से काफ़ी बोलते रहते हैं भाई आप ये वाला डॉग अपने जो है तुरा भाई को गिफ्ट कर लें, ये इसको कल इंशाल्लाह इसको नहलाएंगे भी, अभी से थोड़े तंग हो रहे। क्या हो गया मुफासा, पागल हो गयो? इस वक्त अपनी मौज मस्ती में गुम हुए हैं मुफासा। तो इंशाल्लाह कल इसको वैक्सीन भी लगवाएंगे हम। तो आप चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल इसने कान वगैरह खड़े किए हुए हैं, बिल्कुल शिकारी बने हुए, चेक करें पता नहीं यार क्या हो जाते हैं बीच बीच में से। वैसे मैं काफ़ी बोलते रहते हैं कि भाई आप अपना मुफासा तुरा भाई को गिफ्ट कर लें, तुरा भाई को गिफ्ट कर लें। दोस्तों मैंने सोचा क्या है कि हम इंशाल्लाह अगर इस वीडियो के ऊपर आप या हमारे लाइक से अगर 100 लाइक रखते हैं, अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक अगर आ गए तो इंशाल्लाह हमारा जो मुफासा है हम तुरा भाई को गिफ्ट कर लेंगे। तो या भाई आपके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक वगैरह करें इंशाल्लाह फिर हमारा जो डॉग है वो तुरा भाई को जो हम गिफ्ट कर लेंगे। जो हमारे बजीज थे इनका सीन कुछ ऐसे है यार कि ये सब की सब जो है फीमेल निकल आई हैं, तो इस वजह से ये ब्रीडिंग वगैरह हमारे पास नहीं करे बजीज। तो यार मैंने सोचा क्या है कि अब ये वाले जो हमारे केजेस वगैरह हम इनको उठा के अपने जो फार्म है हमारा उसमें इनको शिफ्ट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये यहाँ पर सब की सब जो है फीमेल्स हैं, ये येलो वाली जो है ये भी फीमेल है, ये जितने भी बैठे हैं आपको नज़र आ रहे हैं सब की सब फीमेल्स हैं। तो इस वजह से तकरीबन इनके 2-3 साल हो गए हमारे पास ये ब्रीडिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो अब इनका मैंने सोचा है क्या है कि हम इनको अपने मिनी जू में शिफ्ट करेंगे, इनको सबको चेंज करेंगे जगह पर जो है ला के हम अपने पास न्यू बजीज वगैरह रखेंगे, क्योंकि यार इनको फिर रखना फजूल है क्योंकि ब्रीडिंग वगैरह ये कर नहीं रहे। तो आपको खुद पता है फिर इस तरह का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इसे काफ़ी भी पूछते रहते हैं कि भाई ये इन्होंने ब्रीडिंग वगैरह की है या नहीं की। तो नीचे बटेर हैं, बटेर का सीन यार ऐसे है कि इनमें से जो है एक बीमार हो गया था, अब मैं इसको खुद इसको मतलब आंखें वगैरह का इसका मसला बना हुआ है, फिलहाल इसको मैं खुद ही अपने हाथों से खिला पिला रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक ये भी ठीक हो जाएगा, आंखों की सर ट्रीटमेंट वगैरह हमने फिलहाल स्टार्ट किया हुआ है, तो उम्मीद है कि कुछ दिन तक ये भी ठीक हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमें लेकिन एक वाइज मुफासा है जिसका हमारे पास कोई भी घर वगैरह नहीं है,
तो इंशाल्लाह अब इसके लिए कोई घर वगैरह बनाएंगे हम, ताकि उसमें मतलब रह सके, इसको प्राइवेसी वगैरह मिल सके, क्योंकि फिलहाल से कोई वगैरह घर वगैरह हमारे पास नहीं है। सब बड़े से घर है, ये छत के ऊपर खुला घूमता रहता है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा सा घर बना लें यहाँ पर, तो ताकि उसमें रहे, इसको अच्छी सी प्राइवेसी वगैरह मिल सके, क्योंकि अब इसका पार्टनर भी आने वाले हैं इसके साथ, तो इस वजह से, तो क्योंकि ये सारा छत के ऊपर घूमता रहता है, मतलब इसने गंदगी वगैरह बनाई होती है, तंग करता रहता है सबको। ये आ गया मौसम फासा, ये चेक कर, अब ये बकरी बन गया है जी, बस पौधों में इस तरह बैठा रहता है सारा दिन, पता क्या निकाल रहे हैं, तंग ना किया करो मुफासा। दोस्तों इसका जो जख्म था वो भी अब ठीक हो गया, मैंने इसके ऊपर स्पिरिट के साथ की कल ये इसने ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया था, तो अब इंशाल्लाह माशाल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। ये चेक करें, इसके काम चेक करें, क्या कर रहे हो, कुछ निकाल निकाल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों इसका नाम माशाल्लाह काफ़ी भाई कहते रहते हैं भाई इसको गिफ्ट करो, तो प्लीज़ आप लोग मैंने अगर आपने बताया तो हम इसको इंशाल्लाह उसको ज़रूर इनको तराब भाई को गिफ्ट करेंगे। मुफासा हमारा मुफासा जो है रोनाल्डो बन गया, इसका काम चेक करें, यकीन जाते हैं ये कहते हर वक्त मेरे साथ खेलते ही रहे, पत्नी इसको क्या हो जाता है, भीड़ में से पागल हो जाता है ये, पत्नी नहीं चलता है, कहते हैं बस हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई खेलता रहे टाइम, तो हमारे पास नहीं, इंशाल्लाह कोई सुबह के टाइम इसके साथ अक्सर खेलते हैं और शाम के वक्त, ये चाहते हैं बस हर टाइम मेरे साथ खेलते रहें।